डिजाइनर अनुश्री हियर और आप सब देख रहे हैं मैजिक क्यूब्स। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज होने वाली लाइट्स के बारे में। साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि लाइट्स के कितने टाइप्स हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है और कौन सी लाइट को कहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लाइट्स को मेनली दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहली है नेचुरल लाइटिंग और दूसरी है आर्टिफिशियल लाइटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल लाइटिंग की, जो हमें सूरज से मिलती है। बहुत से लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, पर यदि आप नेचुरल लाइटिंग को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आप काफी हद तक अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप घर बनाने वाले हैं तो विंडोज का सी लेवल 1 फीट 8 इंच से 2 फीट के बीच में बनवाएं। और यदि आपका घर पहले से ही बना हुआ है तो विंडोज पर नॉर्मल कर्टन के साथ में शियर कर्टन भी यूज करें, जो कि थोड़े ट्रांसपेरेंट कर्टन होते हैं। इससे प्राइवेसी के साथ साथ नेचुरल लाइट भी आपको फिल्टर होकर मिलेगी। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल लाइटिंग्स की, जिसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है जनरल लाइटिंग्स। तो फ्रेंड्स, डे लाइट मतलब नेचुरल लाइट कम हो जाने पर, अंधेरा होने पर हम रूम्स में उजाला करने के लिए जो बेसिक लाइट्स यूज करते हैं, वो सारी लाइट्स जनरल लाइटिंग्स में आती है। पुराने घरों में जहाँ पर इंटीरियर्स नहीं हुए हैं, वहाँ पर लोग ट्यूब लाइट्स और CFL को एज अ जनरल लाइट यूज करते हैं। और आजकल के मॉडर्न ऑफिसेस और होम्स में जनरल लाइटिंग्स के लिए LED पैनल का यूज होता है। सेकेंड नंबर में आती है टास्क लाइटिंग्स। टास्क लाइट्स स्पेशली वो लाइट्स होती है जिसे पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाया जाता है, जैसे स्टडी टेबल के ऊपर रीडिंग के लिए, ओवरहेड कैबिनेट्स के नीचे कुकिंग के लिए, ड्रेसिंग मिरर के ऊपर मेकअप के लिए, ऑफिसेज में वर्क डेस्क के ऊपर वर्क के लिए, एक्सेट्रा। सो गाइस, टास्क लाइटिंग्स को आप स्टडी रूम्स, किचन, ड्रेसिंग रूम और ऑफिसेज में यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 3rd कैटेगरी एक्सेंट लाइटिंग्स की। एक्सेंट लाइटिंग्स का यूज किसी पर्टिकुलर एरिया या ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे सीलिंग को हाईलाइट करने के लिए कोव लाइट्स मतलब कंसील्ड LED स्ट्रिप का यूज होता है, जिसमें लाइट के फिक्स्चर्स मतलब फिटिंग्स तो नहीं दिखती है, पर डिफ्यूज लाइट आपको दिखती है। यदि किसी रूम की मेन वॉल पर आपने कोई अच्छा सा वॉलपेपर लगाया है, या स्टोन वॉल क्लैडिंग करवाई है, या टेक्सचर्ड पेंट लगाया है, या चारकोल शीट लगवाई है, तो ऐसे में इन्हें हाईलाइट करने के लिए आप स्पॉट लाइट्स या वॉल वॉशर्स का यूज कर सकते हैं। पेंटिंग्स को हाईलाइट करने के लिए ट्रैक लाइट्स का यूज किया जा सकता है। डाइनिंग टेबल्स, साइड टेबल्स, वैनिटी टॉप्स या किसी रूम के पर्टिकुलर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए आप पेंडेंट लाइट्स का यूज कर सकते हैं। इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स की वॉल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप वॉल स्कॉन्सेस का यूज कर सकते हैं। शोकेसेस और शेल्फ्स में रखे आर्ट पीसेस को हाईलाइट करने के लिए आप मिनी बटन लाइट्स लगा सकते हैं। ये जितनी भी एक्सेंट लाइटिंग्स मैंने आपसे शेयर की है, ये इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स को डेकोरेट करने के लिए यूज की जाती है। यदि आप भी इन लाइट्स को बैलेंस में प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, तो आप डेफिनेटली सिंपल से सिंपल रूम के लुक को बहुत ही आसानी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकते हैं। यदि आप रिजनेबल रेट में अपने घर या ऑफिसेस के लिए 2D या 3D डिजाइन बनवा कर लेना चाहते हैं, तो आप इसकी इंक्वायरी के लिए मुझे मेल कर सकते हैं।
मैंने अपना ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड ऐसे और भी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें, ताकि इंटीरियर रिलेटेड सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।